बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो जो है कोर्स कोड मैथ 402 अफाइन एंड इक्लिडियन ज्योमेट्री बीएस मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर एफिलिएटेड कॉलेज, तमाम कॉलेज के लिए सब कैंपस में, इन कैंपस में जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ की आज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है 1/4 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई डायगनल इज फार्मूला ऑफ एरिया। फर्स्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, नन ऑफ दीज। तो रेक्टेंगल का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ ऑल एजेस ऑफ ग्राफ आर डैश देन दिस ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ। फर्स्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, नॉन आइडेंटिटी, नॉन कनेक्टेड, कनेक्टेड। इफ़ ऑल एज जो है ग्राफ के कनेक्टेड हों तो वो कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। फोर ऑप्शन जो है इज करेक्ट आंसर, जिस पे सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट है आइसोमेट्री इज अ डिस्टेंस डैश ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑप्शन एडिंग, नन ऑफ दीज चेंजिंग, प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रिजर्विंग फोर ऑप्शन जो है इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मिरर इमेज दिस टाइप ऑफ आइसोमेट्री इज रिफ्लेक्शन। जैसे आप आईने में देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रिफ्लेक्शन। ग्राफ विच कैन ड्रा इन डैश विद आउट एनी एज क्रॉसिंग, तो स्पेस, बोथ, नन ऑफ दीज, इसको प्लेन बोलते हैं। फोर ऑप्शन प्लेन इज करेक्ट। सम ऑफ द एंगल ऑफ स्क्वेयर 30, नन ऑफ दीज, 180, 90, क्योंकि सम ऑफ, बिकॉज सम इज 360। सम जो है कितना होगा, 360 इसका आता है, 360 है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ, तो ये नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज, आर माइनस टू माइनस ई इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ डैश थ्योरम। आयलर थ्योरम है, सिवाज थ्योरम है, नन ऑफ दीज। तो ये आयलर थ्योरम जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन अ डैश एडेड इन टू अ वेक्टर देन इट्स रिजल्ट इज अ पॉइंट, पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्राफ विच कैन ड्रा इन डैश विदाउट एनी एज क्रॉसिंग एंड प्लेनर ग्राफ, तो प्लेन इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ लाइन कट डैश ऑफ ट्राइंगल देन ट्राइंगल साइड रेशियो प्रोडक्ट इज 1:2 ऑल, नन ऑफ दीज, तो ऑल इज करेक्ट आंसर है। रोटेशन इज अ टाइप ऑफ आइसोमेट्री इज करेक्ट आंसर है। इफ चेंज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट इट्स शेप एंगल रिमेन सेम, अगर उसकी पोजिशन चेंज करें लेकिन उसकी शेप और एंगल सेम रहे, कोई तब्दीली ना आए, तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं जी। नेक्स्ट है इफ़ ऑल एजेस ऑफ ग्राफ आर डैश देन दिस ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ है, रिपीट हो गया है। ये वी इज इक्वल टू है, वी का नॉर्म ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इनर प्रोडक्ट जो है, मिनाल्स वाज अ साइंटिस्ट ग्रीक अमेरिकन नन ऑफ दिस एशियन, तो ग्रीक इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ 4:3 इज, तो 4 का स्क्वायर लेंथ 3 का स्क्वायर लेंथ 25 आता है, तो आंसर 5 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1/4 डायगनल, ये नन ऑफ दीज है, रिपीट हो गया एमसीक्यूज। नेक्स्ट है आर माइनस टू माइनस सी इज आयलर थ्योरम है, ये भी रिपीट एमसीक्यूज है। इफ़ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन अदर टू साइड कट इन सेम रेशियो इज अ थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम है। ये आयलर थ्योरम, सिवाज थ्योरम और थेल्स थ्योरम की सब की स्टेटमेंट आप ज़रूर याद करें, इनमें से ज़रूर एमसीक्यूज आएंगे। ट्रांसलेशन इज अ टाइप ऑफ आइसोमेट्री इज करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, नन ऑफ दीज है। इफ लाइन कट ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन ट्राइंगल साइड रेशियो प्रोडक्ट इज 1, ये भी रिपीटेड है। ग्लाइड रिफ्लेक्शन इज अ टाइप ऑफ आइसोमेट्री इज करेक्ट आंसर। ग्लाइड डैश इज अ टाइप ऑफ आइसोमेट्री, रिफ्लेक्शन इज करेक्ट आंसर। एडिशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दीज, रिफ्लेक्शन इज करेक्ट है। आर माइनस टू ई माइनस टू इज अ थ्योरम ऑफ आयलर थ्योरम है ये। इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री का एक जाविया होता है। 3 पॉइंट्स लाइन सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं इसको। ट्रांसलेशन इज अ टाइप ऑफ आइसोमेट्री है, इसका करेक्ट आंसर है। इफ लाइन कट ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल देन
ट्राइंगल साइड रेशो प्रोडक्ट वन होता है। नेक्स्ट है ऑल एज्स ऑफ ग्राफ आर डैश देन दिस ग्राफ इज कनेक्टेड, कनेक्टेड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डैश एडेड टू अ पॉइंट फैक्टर देन द रिजल्ट इज अ पॉइंट इन अ फाइन, पॉइंट को जब ऐड किया जाता है तो इसका आंसर जो है आपके पास पॉइंट इसका आंसर करेक्ट है। वेक्टर भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, स्केलर एंड वेक्टर भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आयलर वाज अ साइंटिस्ट, ग्रीक है, अमेरिकन है या एशियन है, तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट है क्योंकि बिकॉज ही वाज अ स्विस साइंटिस्ट था इसलिए। नेक्स्ट है लाइन कैन पास थ्रो अ पॉइंट, इन्फिनिट लाइन्स जो है पास कर सकती हैं पॉइंट से। मिनाल्स वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट था। इफ़ डैश ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो देन पॉइंट्स इन मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो हो तो फिर जो है कोलिनियर होते हैं। एंट्रीज है नन ऑफ ट्रांसपोज ऑर्डर, तो इसका नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर है। नाम ऑफ फोर थ्री तो इसका फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट है एज्स ऑफ ग्राफ आर कनेक्टेड, इसका करेक्ट आंसर है। पिथागोरस थ्योरम वाज एप्लीकेशन फॉर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की पिथागोरस थ्योरम क्या है, ये नन ऑफ दीज है। रिपीटेड एमसीक्यूज है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज रेक्टेंगल का फार्मूला है। चेंज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट शेप और एंगल सेम रहे तो ये ट्रांसलेशन है। ग्राफ कंटेन्स टू वर्टिसेस वन एज देन दिस ग्राफ इज, तो आयलर थ्योरम को यूज़ करें। वर्टिक्स कितने हैं इसमें, वर्टिक्स दो हैं, एज एक है, आर फाइंड करना है तो इस कुलिये में आप डालें तो वन आंसर आता है, तो वन इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्राइंगल विच हैज़ नॉट राइट एंगल इज कॉल्ड अक्यूट है, नन ऑफ दीज है, ओब्लीक है या आइडेंटिटी है, तो कौन सी है जी, तो ओब्लीक ट्राइंगल होगी। इसमें एंगल जो है 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा तो ओब्लीक ट्राइंगल जो है। नेक्स्ट है व्हेन अ पॉइंट एडेड टू अ वेक्टर देन इट्स रिजल्ट क्या होगा, नन ऑफ दीज वेक्टर पॉइंट, तो ये पॉइंट इसका आंसर है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। चेंज पोजीशन बट इट्स साइज तो ये ट्रांसलेशन है। इफ़ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ट्राइंगल देन अदर टू साइड कट इन, थेल्स थ्योरम है, ये सब थ्योरम की स्टेटमेंट ज़रूर याद करें स्टूडेंट। इफ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल देन अदर टू साइड्स कट इन सेम रेशो इज अ थेल्स थ्योरम है, ये स्टेटमेंट याद करें। लाइन कैन ड्रा फ्रॉम अ पॉइंट, इन्फिनिट लाइन कैन ड्रा थ्री पॉइंट्स लाइन सेम लाइन, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। ग्राफ कंटेन्स टू वर्टिसेस तो ये रिपीट एमसीक्यूज है, इसका आंसर वन आएगा। ये साथ सॉल्व भी किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो ये साथ सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्व भी किया हुआ है। वी वी इज इक्वल टू ए, वी का नाम है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आइसोमेट्री करेक्ट आंसर है। इफ डैश ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो देन पॉइंट्स इन मैट्रिक्स आर कोलिनियर, तो इसका बिकॉज डिटर्मिनेंट इसका जीरो होगा तो फिर ये ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री का एक जाविया ज़रूर होता है इसमें, इसका आंसर जो है 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ डैश ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो देन पॉइंट्स, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो ट्रांसपोज ऑर्डर एंट्री सब क्रॉस है, नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर है। ये भी रिपीटेड है, एमसीक्यूज है। लॉ ऑफ कोसाइन इज एप्लीकेशन फॉर राइट ओब्लीक ट्राइंगल की, कोसाइन लॉ जो है। इसके बाद है नन ऑफ दीज है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्क्वायर का तो 130 90 कोई भी नहीं है इनमें से, नन ऑफ दीज आएगा। इफ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल अदर टू साइड कट इन सेम रेशियो इज अ थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आइसोमेट्री है। मिनाल्स वाज अ साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट था मिनाल। चेंज पोजीशन ये रिपीटेड ट्रांसलेशन है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल स्केलर सम इज इक्वल टू वन देन इट इज अ अफाइन कम्बिनेशन, इसका करेक्ट आंसर है। अफाइन कम्बिनेशन इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ कंटेन्स टू डैश एंड वन एज देन इट इज रीजन इज क्या होगा, इसका वर्टिसेस इसका करेक्ट आंसर है। वर्टिसेस क्या आंसर है जी, वर्टिसेस इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पिथागोरस थ्योरम आर एप्लीकेशन फॉर राइट एंगल की एप्लीकेशन है। इफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल स्केलर सम इज इक्वल टू वन देन इट इज कम्बिनेशन अफाइन, ठीक है इसका। लॉ ऑफ कोसाइन एप्लीकेशन है, ओब्लीक ट्राइंगल की है। आइसोमेट्री इज डिस्टेंस ट्रांसलेशन। चेंज पोजिशन
प्रिजर्विंग इज करेक्ट आंसर है। इफ लाइन कट ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल देन ट्राइंगल साइड रेशो प्रोडक्ट वन होता है। लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इन्फिनिट लाइन कैन बी ड्रॉन की जा सकती है। इफ लाइन कट ऑफ ग्राफ देन ट्राइंगुलर साइड रेशो प्रोडक्ट टू वन, तो ऑल है इसका करेक्ट आंसर। वैन पॉइंट एडेड टू आ, तो ये पॉइंट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आर माइनस वी इज आयलर थ्योरम इज करेक्ट आंसर है इसका। इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड की रिफ्लेक्शन है। नॉर्म ऑफ इसका कितना आ जाएगा, दो का मुरब्बा लें तो चार, तो थर्टीन आता है। नन ऑफ दी थर्टीन का स्केयर रूट आता है, तो ये नन ऑफ दीज आएगा। ट्राइंगल विच हैज़ नॉट राइट एंगल उसको ओब्लीक बोलते हैं, जो राइट एंगल नहीं होती। नॉर्म ये ए ऑप्शन करेक्ट है, वी का नॉर्म जो है ये करेक्ट है। नॉर्म ऐसे डालते हैं डबल लाइन साइडों पे डाल दें। नेक्स्ट है इफ़ डैश ऑफ मैट्रिक्स जीरो देन पॉइंट्स इज अ कोलीनियर ट्रांसपोज ऑर्डर नन ऑफ दीज डिटर्मिनेंट इसका जीरो, तो कोलीनियर होते हैं। ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट ऑफ एनी एज क्रॉसिंग इज प्लेनर ग्राफ कहलाता है। आर माइनस टू इज अ थ्योरम ऑफ आयलर थ्योरम है। ग्राफ कंटेन्स टू वर्टिसेस वन एज, तो इसका वन आंसर आता है। ये साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आप हमारे पास है नॉर्म ऑफ फोर थ्री, तो फाइव आता है, पच्चीस का फाइव। फॉर एनी टू वैक्टर यू एंड वी, तो यू प्लस वी का नाम जो होता है वो आपके पास आंसर आएगा इसका। लेस देन होगा यू का नाम प्लस वी का नाम, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द रेगुलर पॉलीगोनल ग्राफ हैज़ फेसेस जीरो होते हैं। एंगल बिटवीन कॉस थीटा टू साइन यू एंड वी इज डिफाइंड। कॉस थीटा कैसे डिफाइन किया जाता है, कॉस थीटा बराबर है आपके पास नियर प्रोडक्ट यू वी और बटे में आकर आता है आपके पास यू का नाम वी का नाम। तो थीटा अगर इधर रहे आपके पास तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा उधर जाके, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। द डिमेंशन ऑफ अ फाइन स्पेस ई ई डैश प्लस इज, तो टू ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ जी इज कॉल्ड अ के रेगुलर ग्राफ इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज के इज करेक्ट आंसर। फॉर अ वेक्टर यू इज इक्वल वन माइनस फाइव थ्री माइनस थ्री बिलोंग्स विद द इन्फिनिटी नॉर्म इज फाइव है। फॉर टू ग्राफ्स जी एंड एच विद वर्टेक्स एंड एच वी ऑफ जी, तो द एच इज सब ग्राफ ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर थ्री जो है वी ऑफ एच सबसेट है वी ऑफ जी, ई ऑफ एच सबसेट है ई ऑफ जी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इरेगुलर ग्राफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स की डिफरेंट होती है। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ नल ग्राफ इज ज़ीरो है। नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ वेक्टर टू प्लस थ्री या फोर, तो आपने फर्स्ट नॉर्म जो होता है नॉर्म का कुलिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्स का नॉर्म जो होता है वो इज इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स, ऊपर आपने रिजल्ट डालना होता है। जितनी टर्म्स हो एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, टू टर्म्स हैं तो ऐसे करना, तो इसका स्क्वायर ओपन करके आप इसका आंसर देखें तो एट आता है। इन केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ के एन इज, तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ इज करेक्ट। ये ब्लू सर्कल जो किया हुआ है ये आंसर है स्टूडेंट्स, ब्लू सर्कल जो है ये आंसर है। फॉर एनी टू वैक्टर यू एंड वी, यू वी इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस देन होता है यू नाम वी नाम के, रेगुलर पॉलीगन ग्राफ स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आंसर जो है इसका डिटरमिन विच इज लीनियर इंडिपेंडेंट यू वन टू और वी थ्री फाइव है। इसके बाद है आपके पास ये ऑल इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट साइज ऑफ नल ग्राफ जीरो होता है, इसका ए ऑप्शन जो है ठीक है जो ब्लू टिक लगा हुआ है। विच वन इज़ नॉट एन आइसोमेट्री, ट्रांसलेशन आइसोमेट्री है, रिफ्लेक्शन भी, रोटेशन डायलेशन इज करेक्ट आंसर है। माइनस टू करेक्ट आंसर है, थ्री करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका हेक्सागोन करेक्ट है, इसका थ्री ऑप्शन ठीक है, इसका यूनिक एज ठीक है, फाइव आंसर ठीक है, ग्यारह ठीक है, इसके बाद फोर ऑप्शन ठीक है, इसके बाद नो लूप्स नो मल्टीपल एज ठीक है, इसके बाद एज एम यू इज इक्वल टू बी ठीक है, इसके बाद ऑल ऑफ दिस ठीक है, इसके बाद वी ऑफ एच इज इक्वल वी ऑफ जी ऑनली ये ठीक है, ज़ीरो ठीक है,
इसके बाद ट्रांसलेशन ठीक है, इसके बाद पॉलीगॉन्स दैट बाउंडेड ठीक है, दैट कैन बी एम्बेडेड इन अ प्लेन ये ठीक है, इसके बाद पैरेलल ठीक है, इसके बाद टू ठीक है, सिंपल ग्राफ विद ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कनेक्टेड बाय यूनिक एज ठीक है, ग्राफ विच इज़ नॉट डैश इज़ कॉल्ड इनफिनिट फनाइट इसका ठीक है, ए ऑप्शन बी वी ये फोर ऑप्शन ठीक है, इसका टू ऑप्शन ठीक है, इसका एडजेसेंट ठीक है, इसका वन ठीक है, इसका ज़ीरो ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट इज़ करेक्ट आंसर है, डॉट प्रोडक्ट इसका फोर ऑप्शन ठीक है, इसका वन ऑप्शन लेसर आर इक्वल टू ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने मल्टीमीडिया भी शेयर करें।